झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और शालीनता के परिचायक श्री बाबूलाल मरांडी जी आज हम लोग के समक्ष हैं। हम लोग आज जानेंगे कि इनके इनकी शुरुआत कैसे हुई। रामगढ़ में भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, रामगढ़ का भी इनका इतिहास जानेंगे और हम इनके जो पूरी जीवनी है उसको लेकर के थोड़ा सा हम लोग राष्ट्र समर्पण से इनको जानने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार बाबूलाल जी, आप अपने अतीत के बारे में बताइए कि आप, क्योंकि आपका संघर्षमय जीवन तो रहा है, तो इसे लेकर आप अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा जानकारी हम लोग को भी दीजिए, दर्शकों को भी दीजिए, आपकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, बहुत कुछ तो हमें भी याद नहीं रहता है ना, क्योंकि हम बहुत कुछ लिपिबद्ध भी हम नहीं करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि प्रारंभिक दिनों में जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो सबसे पहले तो संघ से हमारा संपर्क हुआ था, संघ की शाखा में जाना बाकी। और जब कॉलेज की पढ़ाई समाप्त की है तो फिर विश्व हिंदू परिषद के हॉल टाइमर के रूप में, पूर्णकालिक के रूप में, फिर हम संथाल प्रगणा चले गए थे, क्योंकि हम रहने वाले तो गिरिडीह के हैं। और संथाल प्रगणा में फिर 1983 से लेकर के 1990 तक विश्व हिंदू परिषद का काम, संथाल प्रगणा बल्कि छोटा नागपुर के भिन्न भिन्न, मैंने पूरे ये जो आज के झारखंड है इसमें से अधिकांश हिस्सों में उस समय हम घूम घूम करके काम किए। उसी वक्त राम जन्मभूमि का आंदोलन भी चरम पर था और शिला पूजन वगैरह सब कुछ हुआ। और फिर 1990 में संघ की ही एक योजना थी कि भाई कुछ एक लोगों को भारतीय जनता पार्टी में काम के लिए भेजना है, तो उस वक्त फिर हम 1990 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और 1991 में पहला चुनाव दुमका से लड़े लोकसभा के। तो चुनाव अच्छे लड़े लेकिन जीते नहीं, दूसरे स्थान पर रहे, शिव सोरेन थे प्रथम, वो वहाँ से एमपी भी हुआ करते थे। फिर दूसरा चुनाव 1996 में लड़े लोकसभा के ही दुमका से, उस वक्त भी दूसरे स्थान पर है, थोड़ा सा हमें लगता है कि 5400 ऐसा कुछ वोटों से हम पीछे रह गए। हाँ वही 5400 करीब। और उसके बाद फिर 1998 में फिर चुनाव हुआ, बाय इलेक्शन कह रहे हैं, मध्यावधि चुनाव, और 1998 में फिर से चुनाव लड़े वही शिबू सोरेन के विरोध में ही दुमका से, तब हम आज चुनाव जीते। 1998 में चुनाव जीते और भारत सरकार में मंत्री भी बने, पर्यावरण और वन राज्य मंत्री थे। उसके बाद 13 महीनों के बाद फिर सरकार गिरी, 1999 में फिर से चुनाव हुआ और फिर उस चुनाव में फिर से हम दुमका से चुनाव जीते और उसके बाद फिर भारत सरकार में मंत्री बने, राज्य मंत्री रहे लेकिन उस क्षेत्र में विभाग वही था, पर्यावरण और वन। और 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना, तो अलग झारखंड राज्य बना तो फिर हम राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो राज्य के मुख्यमंत्री भी बहुत दिनों तक नहीं रहे, 28 महीनों तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, जो आप सबको पता ही है घटना की। तो 2003 में होली के समय था, मार्च का महीना, तो मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिए। और उस बीच में जो कि हम पहले जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय एमपी थे, हुआ करते थे, मंत्री भारत सरकार में थे, और रिजाइन करके जब मुख्यमंत्री बने तो हमें विधायक बनना था, तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हम विधायक फिर चुने गए, क्योंकि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई कम्युनिस्ट के विधायक हुआ करते थे, भेड़ा सिंह, उनकी मृत्यु हो गई थी, वो सीट खाली हो गया था। फिर हम दूसरा जगह नहीं गए, हम सोचे कि खाली सीट है यहीं से चुनाव लड़ो, तो एक सीट बीजेपी की बढ़ जाएगी। चुनौती था, कठिनाई था, वो सीट आसानी से बीजेपी के खाते वो नहीं जाता था, लेकिन हम लड़े वहीं से। हमने पार्टी को कहा कि चलो यहीं से लड़ना है, क्यों आप किसी को रिजाइन कराना, और फिर वहाँ से विधायक बने। और फिर वही बोले कि 2004 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम कोडरमा से लोकसभा के एमपी बने, और 2004 से 2014 तक कोडरमा क्षेत्र से ही हम एमपी रहे। और उसके बाद तो फिर 2019 में विधानसभा का चुनाव राजधनवार से जीते,
और अभी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के लीडर हैं। तो आप इनके संघर्ष की गाथा को सुन रहे थे और काफ़ी संघर्षपूर्ण इनका जीवन तो रहा ही है, साथ में ये कभी किसी भी बात को लेकर पीछे नहीं हटे, जहाँ जो बात इनको उचित लगा वहाँ इन्होंने वहाँ अपनी बात रखी। अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भाजपा की ओर से इन्हें चुना गया है, हालांकि झामुमो की ओर से इन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया गया है, और इसके पीछे झामुमो सरकार की अपनी क्या मंशा है वो तो वही जाने। हम लोग उम्मीद करेंगे कि भविष्य में बाबूलाल मरांडी जी के साथ आगे और अच्छी जगह पर जाने का इनको मौका मिले। राष्ट्र समर्पण से रितेश कश्यप, धन्यवाद।